तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें इस केंचुआ खाद को बनाने के लिए जमीन कैसी चाहिए, ठीक है जी। जमीन का क्या होता है कि जहाँ पे पानी खड़ा ना हो, बरसात वगैरह का पानी ना खड़ा हो, क्योंकि वो केंचुए को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है जी। तो जमीन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पानी बरसात का निकल जाए, ठीक है जी, और वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, क्योंकि केंचुए ये खाद को पानी हमें रोज देना पड़ता है, ठीक है जी। तो गर्मियों में इसको सुबह शाम पानी देना है, ठीक है जी, और सर्दियों में आप हफ्ते में 2 बार भी दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम ठंड होती है तो वाष्पीकरण नहीं होता, ठीक है जी। तो बरसात अगर हो जाए तो आपको 3-4 दिन पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सफिशियंट है, ठीक है जी। तो पहले बेड बनाने का जो एक साइज का जो होता है वो स्टैंडर्ड साइज होता है, वो 30 फुट बाय 4 फुट होता है, ठीक है जी। ऊंचाई उसकी 1.5 फुट रख सकते हो या 2 फुट रख सकते हो मैक्सिमम, जैसे ये हमने बनाया हुआ है ना, ऐसे रख सकते हो आप। तो इसमें पहले गोबर जो डालना है उसको हम ठंडा करते हैं, क्योंकि उसमें मीथेन गैस होती है, ठीक है जी। मीथेन गैस से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है उसमें, तो फ्रेश गोबर हम यूज करते हैं इसमें खाद बनाने के लिए, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि अगर मीथेन गैस हुई, हीट हुई, तो आपका केंचुआ मर जाएगा, ठीक है जी। तो हमें उसको पहले ठंडा करना पड़ता है, गोबर को एक जगह गिरा के वहां पे उसको पानी लगाना पड़ता है 4-5 दिन अच्छी तरह काट काट के कस्सी से, ठीक है जी। फिर उसमें क्या होता है कि वो जो गर्मी है वो कम हो जाती है, ठीक है ना जी। जब वो गर्मी कम हो जाती है तो हम उसको बेड बना देते हैं ऐसे, ठीक है जी। तो बेड में हम डालते हैं केंचुआ, यहाँ पे होता है ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है हमारे पास, इसका नाम है एसिनिया फेटिडा, ठीक है जी। इस केंचुए को इसका हिसाब होता है कि 1 फीट में 1 किलो डलता है, तो 2 महीने में उसको खाकर ये डिकम्पोज करके वर्मी कम्पोस्ट बना देता है उसको, ठीक है जी। तो 2 महीने का प्रोसेस होता है ये, ठीक है जी। तो खाद बन जाती है, 2 महीने में लगातार पानी लगाना पड़ता है। तो 30 फीट के बेड में अगर हम केंचुए की बात करें तो 30 किलो केंचुआ डाला जाता है इसमें, ठीक है जी। वो इसको खा के 2 महीने में पूरा कर देगा, ठीक है जी। अगर आपका कोई साथ साथ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जो ये वर्मी कंपोस्ट है इसमें 13 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें जिंक, फास्फोस, मैग्नीशियम, कार्बन, ठीक है जी, लोहा, सल्फर, ये सभी तरह के जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं पौधों को, वो इसमें वर्मी कंपोस्ट में मौजूद होते हैं, तभी इसको सबसे बेस्ट खाद माना जाता है वर्मी कंपोस्ट को, ठीक है जी। तो ये 2 महीने में तैयार भी हो जाती है। हम जो दूसरी खाद डालते हैं, रूढ़ी खाद डालते हैं या पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उसका खेतों पे असर भी होता है ना। जो पेस्टिसाइड या जहर हम डालते हैं वो नेचुरली खाने के सामान के साथ हमारे अंदर आ जाता है, पौधों के थ्रू हमारी सब्जियों में आ जाता है, तो हमारे शरीर को कई बीमारियां लग जाती हैं। तो उसका ये ऑर्गेनिक की जब तरफ जब अगर जाते हैं लोग तो वर्मी कंपोस्ट जरूर डालते हैं वो। जो भी हिमाचल में भी जैसे काफी सेबों के बाग हैं, वो भी अब ऑर्गेनिक के लिए इसी को यूज करने लग गए हैं। हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जितने भी सेबों के बाग है, तो इसको शुरू कर दिया उन्होंने वर्मी कंपोस्ट को, ठीक है जी। तो वर्मी कंपोस्ट में ये न्यूट्रिशन 13 तरह के होते हैं, 16 तरह के पौधों को चाहिए होते हैं न्यूट्रिशन अपने आप को बढ़ाने के लिए, फ्रूटिंग के लिए। तो 13 तरह के जो न्यूट्रिशन है वो इसमें मौजूद होते हैं, बाकी 3 वो हवा, धूप और पानी से ले लेते हैं, है ना। तो उसकी डेवलपमेंट के लिए सबसे बढ़िया खाद मानी जाती है ये। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी ने कुछ पूछना हो इसकी प्रिपरेशन के बारे में, खाद को कैसे उतारा जाता है, 2 महीने बाद इसको उतारा जाता है ना, धीरे धीरे जब ऊपर परत बन जाती है ऊपर वाली, मैं दिखाऊंगा अभी अभी आपको, ठीक है जी। केंचुए भी दिखाता हूँ। तो केंचुए को डर किसको लगता है, सबसे पहले ये बताओ, डर किसको लगता है? कोई नहीं डरता, कोई भी नहीं डरता, गुड। हाँ जी, कौन डरता है? आप डरते हो? आपसे आपको ही दिखाते हैं फिर, सबसे पहले आप ही उठाओगे, ठीक है जी। तो ये, हाँ जी, हाँ, इनकम का सोर्स देखिए, वर्मी कंपोस्ट ऐसा बिजनेस है, इसमें अगर आप जॉब करते हो तो उसके साथ आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि आपको सारा दिन देना है, क्योंकि पानी ही लगाना होता है। 2 महीने एक बार बेड प्रिपेयर कर दिए तो फिर 2 महीने पानी ही लगाना है सुबह, वो 1 घंटे का काम होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है जी। तो इनकम सोर्स अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मारो ना, तो टर्नओवर करोड़ों में है, 2 महीने लगते हैं इसको बनने में खाद को, ना जी। जो वैसे जो प्रोसेस होता है, जो हम रूढ़ी खाद, जो गोबर खाद वैसे होती है इकट्ठी करते हैं, वो साल में बनाते हैं लोग, साल पड़ा रहता है गोबर, वो गल जाता है, फिर उसको डीकम्पोज हो जाता है वो, तो उसको डालते हैं। लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, मैं नहीं समझता। उसका कारण पता क्या है? देखो, पूरा साल गोबर बाहर पड़ा रहता है,
गड्ढे में पड़ा रहता है, तो क्या होता है कि पूरा साल उस पर बरसात पड़ती है तो कुछ न्यूट्रिशन बह जाते हैं उसके, ठीक है जी। उसके बाद सारा साल धूप पड़ती है तो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है धूप से, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू 10-20% रह जाती है बस, लेकिन ये 8 गुना पावरफुल है उससे, 8 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी उस खाद से जी। हाँ जी, वो कई लोग यहाँ पे किचन वेस्ट से भी उसको शुरू करते हैं। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप वेजिटेबल वेस्ट जो भी है, कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ जो गलने सड़ने लायक है भी गल जाए, बस सिट्रिक्स नहीं डालने उसमें, खट्टा नहीं डालना वो उसको, थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट और सिट्रिक ये चीजें नहीं डालनी, वो केंचो को नुकसान करती है। हाँ जी जी बिल्कुल सेम, हाँ जी बिल्कुल सेम रहेगा जी। लेकिन खाद तो 1 महीने उतनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो कमर्शियल लेवल का वाले काम करते हैं ना, वो 2 महीने बाद ही सारी उतारते हैं। आप स्टेप वाइज भी निकाल सकते हो, जैसे 1 महीने बाद ऊपर वाली 4 इंच की परत बन जाती है तो आप उसको भी उतार सकते हो, है ना जी। उसके बाद अगर आपने, जैसे हम कमर्शियल है, हमने इकट्ठी उतारनी है, हमें थोड़ी थोड़ी नहीं उतारनी, तो वो बनती रहती है, हम 2 महीने बाद इकट्ठी ही उतारते हैं, है ना जी। हाँ जी, तो इनकम सोर्स सबसे लो बजट बिजनेस है और करोड़ों की आमदनी है इसमें। यूट्यूब पे सना खान है मेरठ की, एक पायल अग्रवाल है, तो वो लड़के भी आप जैसे ही पढ़ के अच्छी, उन्होंने वो करने के बाद इस काम को चुना, आज करोड़ों की टर्नओवर है उनकी जी। मैं भी पहले जॉब की है, मैंने भी 15 साल जॉब की है, एज ए मैनेजर जॉब की है, तो 15 साल में मैं 30-35 हज़ार पे पहुंचा हूँ उस टाइम से लेके अब तक। लेकिन पिछले 5 सालों में अब मेरी इनकम 1 लाख से 1.25 लाख रुपये पर मंथ है, है ना जी। तो नेचुरली मैं तो किसी को भी सजेस्ट ही नहीं करता कि आप नौकरी करो। बिजनेस का ये होता है कि नौकरी में आपकी एक बजट, जो आपका फाइनेंशियली बजट है ना, वो लिमिटेड रहेगा। उसमें आप जाओगे ऊपर, वो ग्रोथ बड़ी स्लो है, है ना जी। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप काम करते हो, 2 साल अनसक्सेसफुल भी रहते हो, यानी कि सक्सेसफुल नहीं होते, 3रे साल ऐसी सक्सेस आएगी कि आप किसी अच्छे लेवल पे चले जाओगे, है ना जी। तो अब तो 18-18 साल के लोग मेरे से ट्रेनिंग्स लेके जाते हैं, कि उन्होंने लगाए भी हैं, मैंने 600 यूनिट लगवा दिए पूरे नॉर्थ इंडिया में, इवन बॉम्बे तक लगवाए हैं, तेलंगाना तक लगाए हैं, उड़ीसा तक लगाए हैं, वेस्ट बंगाल तक गए हैं, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ अभी देखो परसों आना है मेरे पास कश्मीर से परसों आ रहे हैं मेरे को, वो उन्होंने लेके जाने हैं मेरे से 100 किलो केंचुआ लेके जाना है। वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर इनको जो खाद बनाने के लिए 25-35 डिग्री होना चाहिए, ठीक है जी, वो सबसे बढ़िया टेम्परेचर होता है। तो हाँ, या तो आप किसी उसमें लगा दो उसको जहाँ पे ठंड का प्रकोप ना हो, खाद स्लो बनेगी, बन जाएगी। जैसे हमारे यहाँ भी जब जनवरी दिसंबर की सर्दियाँ होती हैं तो हमारा टाइम ड्यूरेशन 2 महीने से बढ़कर 4 महीने हो जाता है, लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होता है, केंचुआ बहुत बढ़ता है, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई होते हैं सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा, है ना जी। तो फायदा तो है ही है, खाद नहीं बनी तो चलो केंचुआ बढ़ गया, है ना। तो केंचुए का क्या होता है कि ये 2 महीने में मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाता है ना जी। तो इसका क्या है कि जैसे आपने आज एक बेड लगा लिया तो अगले 2 महीने बाद आप 2 लगा लोगे, उसके 2 महीने बाद 4 लगा लोगे, तो ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इसके ये भी है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार है, बाकी तो फिर गोबर का ही खर्चा है या लेबर का खर्चा है, केंचुए का 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है जी। जी, गोबर हमारा यहाँ तो गौशालाओं से आता है, केंचुआ ये ऑस्ट्रेलियन केंचुआ आता है जो हमारे पास है ना जी। वैसे तो 6000 किस्में हैं पूरे वर्ल्ड में केंचुए की, लेकिन जो खाद बनाते हैं वो केंचुए कुछ ही किस्में हैं जो गोबर को या गले सड़े पदार्थों को खाकर खाद बनाते हैं, वो कुछ ही किस्में हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो बढ़िया किस्म है वो एसिनिया फेटिडा ही है, रेडवर्म। वो क्यों? क्योंकि ये सर्वाइवल रेट इसका बढ़िया है, ठीक है जी, मरता नहीं है जल्दी, क्योंकि ये -0 डिग्री से लेके 55 डिग्री तक सर्वाइव कर जाता है, ठीक है जी। तो इसीलिए इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, सर्वाइवल रेट इसका बढ़िया है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि मल्टीप्लाई ज़्यादा होता है और ये 24 घंटे खाता है, 24 घंटे काम करता है। कई केंचुए की किस्में कि नाइट में काम करती हैं, कई दिन में काम करती हैं, लेकिन ये जो एसिनिया फेटिडा है ना जी, ये 24 घंटे काम करता है, ये सोता नहीं है, काम ही करना है इसने, खाना है और कंपोस्ट ही बनानी है बस इसने। और ये 90% तक ये ऑर्गेनिक पदार्थ ही खाता है जो गलने सड़ने वाले हैं, 10% मिट्टी खाता है,
जो हमारे देसी केंचुए होते हैं, जो खेतों में हमारे होते हैं मिट्टी वाले केंचुए, वो 90% मिट्टी खाते हैं, 10% ये गलने सड़ने वाले पदार्थ खाते हैं, है ना जी। जी किसी का क्वेश्चन कोई? सर आप इधर से मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग, हाँ जी देखिए मार्केटिंग ये ना मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, मेरे कई इंटरव्यू भी लिए हैं, अभी यूपी से आए थे पिछले हफ्ते, वो भी इंटरव्यू लेके गए हैं मेरा, कई बड़े चैनलों ने मेरा इंटरव्यू लिया इस पे, तो ट्रेनिंग लेने आते हैं वो भी और जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी। जैसे आपने पूछा है कि इसकी मार्केटिंग, वो कहते हैं भैया बना तो लेंगे हम, बेचेंगे कहाँ पे, है ना, ये बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं कहता हूँ, उल्टा कहता हूँ कि आप बना लो, आपके पास बचेगी नहीं, क्योंकि अब इतने अवेयर हो गए हैं ना लोग, कोविड के बाद इतने अवेयर हो गए हैं लोग इस चीज़ के बारे में, तो वो आप उनको पता लगना चाहिए कि आप बना रहे हो खाद। इवन आप देखो, आप जम्मू वाले यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं पंजाब से या जयपुर से भी लेके जाते हैं, कितनी दूर दूर से मंगवा रहे हैं वो, ठीक है ना जी। तो जी हाँ जी, तो केंचुए के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 6,000 स्पीसीज हैं इसकी, 6,000 किस्में हैं, लेकिन जो खाद के लिए हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में जो भी सबसे उत्तम मानी जाती है वो एसिनिया फेटिडा जी, ठीक है जी। और ये 40 दिन का केंचुआ अडल्ट हो जाता है, अंडे देना शुरू कर देता है, ठीक है जी, और एक अंडे से 4 से 5 बच्चे निकलते हैं उसके, ठीक है जी, वो भी आगे मल्टीप्लाई करते हैं 40 दिन में। अगर लाइफ सर्कल की बात करें तो ये 6 महीने तो जीता ही है, लेकिन उस 6 महीने में ये 2,000 बच्चे छोड़ जाता है, इतना मल्टीप्लाई हो जाता है यानी कि, ठीक है जी, और वो 2,000 भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए इसको उत्तम माना जाता है कि ये मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी होते हैं, हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दोबारा केंचुआ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक बेड भी लगा लेते हो तो आपके 6 महीने में 20-25 बेड आराम से हो जाएंगे उसी केंचुए से, ठीक है जी, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा उस पर, क्योंकि सबसे कॉस्ट तो इसकी यही है, जो हम ये काम अगर शुरू करते हैं कमर्शियल लेवल पे भी करते हैं, 10 बेडों से शुरू करते हैं, तो एक बेड का खर्चा 10,500 से लेकर 12,000 के बीच आता है, जिसमें सबसे ज्यादा महंगा क्या है, केंचुआ, ठीक है जी। अगर मान के चले कि 300 रुपये किलो हम लेते हैं, 30 किलो एक 30 फुट वाले बेड में 30 किलो डालते हैं, तो 9,000 के तो केंचे ही हो गए, है ना, तो आधी ट्राली गोबर की डलती है उसमें 1,500 kg, वो आधी ट्राली यानी कि एक ट्राली से 2 बेड बन जाते हैं 30 फिट वाले, ठीक है जी, इट मीन्स उसमें 3 टन होता है गोबर एक ट्राली में, तो 2 बेडों का मतलब है कि 1,500 किलो गोबर एक 30 फिट बेड में डल गया, 30 किलो गोबर में, सॉरी 30 किलो केंचुए उसमें छोड़ दिए, तो 2 महीने बाद उसका वो क्या करता है कि आपको उसका खाने के बाद उसका जो 1,500 किलो में खाकर वो आपको 600 किलो खाद ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी, यानी कि डीकम्पोज जब हो जाएगी 1,500 किलो गोबर का जो आपने 30 फिट वाला बेड बनाया है, जब प्रोसेस करेगा केंचुआ तो वो 40% ही मान के चलो आप, है ना, तो 600 किलो खाद आपको मिलेगी एक बेड से। सपोज टू भी अगर आप बिजनेस माइंड से सोचें उस चीज को, आपने 10 बेड लगाए हैं, खर्चा आ गया 1,00,000 से 1,20,000, ठीक है जी, यही खर्चा आया ना 10 बेडों का, ज्यादा से ज्यादा वेरी करता है उसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कहीं गोबर सस्ता है कहीं महंगा है, यहाँ शहर है यहाँ महंगा है, यहाँ हमें ट्रॉली 2,500 लेके 3,000 की पड़ती है, कई गाँव में 1,000 के मिल जाती है जहाँ पे गोबर बहुत ज्यादा है, तो वेरी करता है वो कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो अगर हम प्रॉफिट रेशियो की बात करें, है ना, तो क्या होता है कि अगर 30 फीट बेड में 600 किलो खाद निकलती है एक बेड से, तो आपके पास अगर कमर्शियल लेवल पे आप कर रहे हो 10 बेडों से, तो 10 बेडों में कितनी होगी, 6,000 किलो, ठीक है जी, यानी कि 6 टन, ठीक है जी, 6 टन। अब हम करते हैं बात रेट्स की, कि किस रेट पे बिकती है, जैसे आपने पूछा था कि मार्केटिंग, मार्केटिंग पे भी आएंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या रेट बिकती है। जैसे जो किसान खुले में ले जाते हैं, बल्क में ले जाते हैं या 50 किलो की बोरी में ले जाते हैं, वो 6 रुपये किलो बिक जाती है, ठीक है जी, 6 रुपये per kg। और जो हमारे से नर्सरियां वगैरह लेती हैं, वो आगे रीसेल करती हैं इसको, वो हमसे 10 रुपये किलो लेती हैं, लेकिन वो पैकिंग छोटी होती है, 1 किलो की 5 किलो की पैकिंग होती है, ठीक है जी, तो वो 10 रुपये किलो चली जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने शहर में खुद ही बेच रहे हो, ठीक है जी, जैसे मेरे कस्टमर हैं आप मोहाली में, चंडीगढ़ में 2,500 कस्टमर है, तो मेरे से खाद लेते हैं वो, तो वो खाद जाती है 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो तक। और सबसे ज्यादा जो रेट इसका मिलता है, वो मिलता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, आप सर्च मार के देखना, वहां पे आपको
100 रुपए किलो से लेके 150 रुपए किलो तक मिलेगी ये वर्मी कम्पोस्ट, ठीक है जी। तो उतना ही प्रॉफिट उधर बढ़ जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है अगर फ्लिपकार्ट या अमेजन पे सेल करते हो ना, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है जीएसटी नंबर, ठीक है जी। वैसे ये जो खाद है ये एग्जाम्प्ट है क्योंकि एग्रीकल्चर आइटम है, इस पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट भेजनी है, जैसे यहाँ से हिमाचल भेजनी है, तो आपको जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड है, टैक्स फिर भी कोई नहीं आप पे, सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने ये जीएसटी लिया हुआ है, हम बाहर भी भेज रहे हैं, एक बिल कटेगा, लेकिन टैक्स उस पे भी नहीं है। केंचुए पे भी टैक्स नहीं है, दोनों एग्रीकल्चर आइटम है, ठीक है जी। तो ये टैक्स फ्री आइटम्स हैं, ठीक है जी। तो बात करते हैं 6000 किलो, हम एक मिड बीच का रेट लगा लेते हैं, है ना, कि 6000 किलो खाद उतरी है 2 महीने में, ठीक है जी। आपने 1,00,000 रुपये लगा दिया था उसको बेड को लगाने में, तो 6000 को गुणा करें अगर 10 रुपये से तो कितना हो गया, 60,000। आपने 1,00,000 लगाया था, 2 महीने बाद आपको कैश इन एंड 60,000 आपके पास आ गया, ठीक है। लेकिन आपने केंचुए कितने डाले थे 10 बेडों में, 9,000 × 10 90,000 के, तो वो डबल हो गए 90,000, वो भी उसका एक प्राइस तो रखेंगे ना, आपके पास डबल हो गए तो उसकी एक कीमत तो होगी। तो 90,000 वो था केंचुए का आ गया आपके पास, 60,000 आपने खाद बेच के 10 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया 1,50,000। 2 महीने में आपके पास 1,50,000 हो गया, आपने लगाया था 1,00,000, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इतना अच्छा प्रॉफिट रेशियो दे दे। और अगले 2 महीने बाद इसको डबल कर लेना आपने 1,50,000 को, 2 महीने बाद वो आपके पास 1,50,000 और 1,50,000 3,00,000 हो गया, 3,00,000 तो हो गया, 1,50,000 आपने पहले 2 महीने में भी तो कमाया है, 3 और 1,50,000 तो आपने 1,20,000 लगाया था या 1,00,000 रुपये लगाया था, और 4 महीने में आपको 4,50,000 आ चुका है। तो कोई है बिजनेस ऐसा, अगर आप बिजनेस करते भी हो, कोई भी ABCD कोई भी बिजनेस करते हो, तो उसको शुरू करने के लिए 20,00,000 रुपये चाहिए, और फिर वो सक्सेस होए ना होए वो अलग बात है, है ना। ये बिकना ही बिकना है, ATM है, कभी भी बेच सकते हो आप, और इतनी डिमांड है, हमारे पास किलो नहीं बचता, किलो नहीं बचता, हमारे पास 150 बेड उधर है, 20-25 ये है। 1 किलो अगर कहो ना आप, उसके लिए अभी मेरे को जो मैं कह रहा था कि JK से कॉल आई है मेरे को, तो उन्होंने मेरे से 200 बैग मांगे हैं, तो मैंने उसको 2 महीने का टाइम दिया है कि 2 महीने बाद मिलेगा आपको। तो लोग क्या करते हैं, पहले एडवांस डाल देते हैं मेरे खाते में कि ये लो जी पैसे तो हमको दे दिया। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम मैं पहले ना आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे मार्केटिंग की थी। वो क्या है, मैं जॉब करता था, 30-35 हज़ार की जॉब थी मेरी, वो कोई उसमें वो हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि जॉब आप पार्ट टाइम रख लेते हैं हम आपको, ठीक है जी। वो एक टेंडर था हमारा, वो टेंडर कैंसिल हो गया, तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे को कहा कि वो आप पार्ट टाइम। अब जब घर का गुजारा 30,000 से नहीं चलता तो पार्ट टाइम से कैसे चलेगा, है ना। तो मेरे को सोचना शुरू कर दिया कि मैं कुछ क्या करूं। तो सोचते सोचते यूट्यूब पे भी सर्च मारे कई बिजनेस, तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र चला गया, जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंडर आता है कृषि विज्ञान केंद्र, वहां पे चले गया। तो मैंने वहां पे ट्रेनिंग किसी और विषय की ली थी, उसमें बताया गया था कि वर्मी कंपोस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो वहां से फिर मैंने ये मेरे को सीख मिली कि हाँ यार ये लो बजट काम है। मैंने जो प्रोफेसर मेरे को सिखा रहा था, प्रोफेसर शशि करते हैं, ठीक है जी, उन्होंने मेरे को बताया, मैं कहा जी मेरे पास फाइनेंशियली मेरे पास बजट नहीं है कि मैं कोई बड़ा काम करूँ। जो मैंने काम करना था उसका खर्चा वही 20-25 लाख था, शेड बनाओ, ये करो, वो करो, ठीक है जी। तो बड़ा काफी बड़ा खर्चा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे को तो कोई लो बजट काम बता दो जिसमें अच्छी इनकम हो। वो कहते देखो यार आने वाला टाइम ऑर्गेनिक का है और 15 साल इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, आजकल हर कोई आज अगर आप स्टैंड कर जाते हो तो आप सबसे ऊपर होंगे। तो मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, अब आप गूगल पे सर्च मार लेना कुदरत ऑर्गेनिक फार्म, आपको पता चल जाएगा ये कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मार्केटिंग, जैसे आप कह रहे हो ना कि मार्केटिंग कैसी की जाए, मार्केटिंग के फंडे अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं 50 किलो खाद लेके आया, मैंने खुद वो आधा आधा किलो पैक की, ठीक है जी, और जो भी मेरे जानने वाले थे जिनको बागवानी का शौक था, मैं उनको फ्री में दे आया, एक एक दो दो पैकेट फ्री में दे आया। नर्सरियों में मैंने दो दो चार चार पैकेट उनको भी फ्री में दे दिए। होता क्या है कि जो ऑर्डिनरी मैन्योर है ना वो मिल जाती है 5 रुपए किलो, हमारा वर्मी कंपोस्ट का होता है डबल रेट। तो नर्सरियों वाले अवॉइड करते हैं कि मेरे को जो 5 रुपए मैं ले रहा हूँ वो भी 20 की बिकेगी, आपकी मैं 10 की लूंगा,
वो भी 20 की बिकेगी, तो मेरा प्रॉफिट रोज से तो उसमें है। ठीक है जी। तो मैंने उन नर्सरी वाले को जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उनको समझाया कि देखिए सभी है, हम लोग दुकानों पे जाते हैं, सपोज टू भी हमने चावल ही खरीदने जाना है, ठीक है जी, तो वहाँ पे 40 रुपए किलो वाले भी हैं, 400 किलो रुपए वाले भी हैं, है ना। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, ऑर्डिनरी चाहिए तो वो 40 रुपए वाला ले लोगे आप, लेकिन आप अगर कहोगे बासमती लेना है जिसमें से खुशबू भी आए, लंबा लंबा नूडल्स की तरह बने, तो वो तो महंगा ही मिलेगा नेचुरली, है ना। तो मैंने उसको बोला भाई तू रख ले, जो कस्टमर तेरा आए उसको तूने उस दुकान वाले की तरह समझाना है कि भैया ये ऑर्डिनरी कंपोस्ट है, ये केंचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। अगर तो उसको पता होगा तो वो वर्मी कंपोस्ट ही लेगा आपसे, ठीक है जी। तो कहता है यार ठीक है रख जाओ देख लेंगे। मैंने पैसे नहीं लिए उनसे, फ्री में सैंपल दिए वो, ठीक है जी, मेरा फंडा था अपना मार्केटिंग का। तो भगवान की इतनी कृपा रही, मैं 5-6 नर्सरियों पे दे आया, यकीन मानोगे मेरे को दूसरे दिन कॉल आ गई कि आप 50-50 पैकेट दे दो। अब मैं दूं कहां से, मेरे पास तो। मैंने क्या किया, यहां से 100 किलोमीटर दूर एक फार्म था, गाड़ी उठाई, उससे 20 थैले खाद के ले आया, ठीक है, फिर पैकिंग की, फिर दे के आया, फिर सेल की वो, है ना। ऑर्डर बढ़ते गए, जिसको मैंने फ्री में 1-1 किलो दी थी, जो बागवानी वाले, वो उनके भी फोन आने शुरू हो गए, हेलो भाई यार खाद बड़ी अच्छी थी 5 किलो दे जाइए। 5 किलो वाले थोड़े दिनों बाद 25 किलो में कन्वर्ट हो गए, 25 किलो वाले 100 किलो में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे ही बढ़ता गया काम, है ना। तो ये था मार्केटिंग मेरी। लेकिन अगर आपने कमर्शियल लेवल पे करना है, आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ ये सेल करनी है, वो है सबसे पहले आप अपने एरिया में बेचो, ठीक है जी। आप अपने जो नोन है उनको बताओ, जिस दिन आपने यूनिट लगा दिया आप बताओ उनको कि मैंने यूनिट लगाया है वर्मी कंपोस्ट का। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं बात निकल जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बता देगा कि हाँ यार उसके पास है वर्मी कंपोस्ट, है ना। तो यही फंडा है, आपने सबको बताना है, अपने एरिया में सेल करो। वो महंगी बिकती है, 20 रुपये हंस के देते हैं नर्सरी वाले, हमसे 10 रुपये लेके 50 रुपये किलो बेचते हैं, ठीक है जी। अगर आप डायरेक्ट 20 रुपये बेचोगे तो वो आराम से आपके शहर में ही बिक जाएगी, आपके एरिया में, ठीक है जी। अगर आपका काम बढ़ गया है, आपके यूनिट बड़ा हो गया है, आप सोच रहे हो कि मैं नर्सरियों में भी दूं, तो फिर नर्सरियों में जाके एक बार बात करो, ठीक है जी। पॉली हाउस लगे होते हैं, ऑर्गेनिक का काम करते हैं, आपके नज़दीक कोई ना कोई ऑर्गेनिक का काम करता होगा, वहाँ पे सेल करो। अमेजन फ्लिपकार्ट तो है ही है, आजकल सोशल मीडिया का सहारा लेके, है ना, कुछ भी बेचा जा सकता है। आप एक पेज बनाओ, यूट्यूब पे बनाओ, फेसबुक पे बनाओ, है ना, इंस्टा पे बनाओ और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती बेचने में। वो बस पता चलना चाहिए लोगों को कि आपके पास खाद है, वो खुद लेने आ जाएंगे। अब हमारे पास भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, है ना। आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को मैं 2017 में शुरू कर दिया था जी, मेरी 5-6 साल मेरे को हो गए हैं। उस टाइम भी मैंने ट्रेनिंग ली थी, वहीं शुरू किया था। फिर मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि जॉब में कुछ नहीं है, बिजनेस करो कोई ना कोई, ठीक है ना जी। जॉब में लिमिटेशन होती है, बर्डन होता है, टेंशन होती है, अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना। तो मैं नहीं कहता आप यही बिजनेस करो, ABCD कोई भी एक ऐसा बिजनेस करो जिसमें आपका मन हो। ये मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सुबह एक दिन पानी ला दो, अगर नहीं भी लगा तो शाम को आके लगा दो, एक बार पानी तो देना है बस। जिस दिन गोबर डालना है इसमें, उस दिन लेबर लगती है 2 दिन, ठीक है ना जी। उस दिन लेबर आके लग जाती है, जैसे मैंने भी, अब जब काम चलता है तब लेबर होती है, यहाँ पे 5-5, 6-6 बंदे होते हैं, अदरवाइज एक लेडी है वो पानी दे देती है सुबह आके रोज, है ना। तो और कोई अगर क्वेश्चन हो आपका वर्मी कंपोस्ट पे, समझ आ रही है सबको मेरी बात? बनाना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे। हाँ जी, मतलब कैसे बनाए, क्या प्रोग्रेस? हाँ ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि धूप से इनको होती है एलर्जी, अगर आप छोड़ोगे इसको ना ये अंदर घुस जाएंगे, है ना, फोटो सेंसिटिव होते हैं। तो कौन हेल्प करेगा मेरी? सचिन। सचिन जी आओ इधर आ जाओ। सचिन जी दिखाओ सबको। हाय। हाँ दिखाओ कैमरा बेटा, कॉल ऐसे नहीं, ऐसे दिखाने होते हैं। ये है जी रेड वार्म, इसका साइज इतना ही होता है, ठीक है जी। ये रेड वार्म है ऑस्ट्रेलियन, इसका साइज इतना ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता, ठीक है जी। पकड़ो ना, 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 नहीं।
ठीक है जी, ये है ऑस्ट्रेलियन रेड वर्म, ये हाईएस्ट साइज है, नहीं काटते नहीं, एक्चुअली इसका मुंह ही नहीं होता, ये सक करता है सिर्फ, है ना। हाँ ये जगह कम है ना, जगह कम हाँ, मैं वही दिखाना चाह रहा था। हाँ नहीं इसमें नहीं, पता है हाँ बिल्कुल 99% पानी है। इसकी निशानी होती है कि ये रेड कलर के होते हैं, जो अपने वाले होते हैं ना व्हाइट होते हैं वो। क्या नाम बताया था? इसको ऑस्ट्रेलियन रेड वर्म भी बोलते हैं। नहीं नहीं साइंटिफिक नेम एसिनिया फेटिडा। ये जो ये एक व्हाइट रिंग बन रहा है ना, ये व्हाइट रिंग बन रहा है इसकी, है ना। हाँ जी। इसका मतलब ये 40 दिन का हो रहा है, है ना। जब ये रिंग प्रॉपर बन जाता है ना, ये रिंग है कॉर्नर में, है ना, ये अडल्ट हो जाता है, फिर अंडा देना शुरू कर देता। और इसमें सबसे एक अजीब बात ये है कि ये ना द्विलिंगी होते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों ऑर्गेनिक, यानी कि दोनों ऑर्गेनिक इसमें होते हैं। हाँ जी। और हर एक केंचुआ अंडे देता है। ये कितने टाइम के होते हैं जब हम यूज करते हैं? कैसे जी? जब हम यूज करते हैं तो कितने? कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें मिक्स होते हैं, बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। जैसे हम आपको, अगर हमसे कोई लेता है तो हम मिक्स ही देते हैं, इवन एग्स भी होते हैं। क्या कर रहे हैं? खाद बनने के बाद कैसे अलग करेंगे? होता क्या है कि ऊपर पानी देना बंद कर देंगे, जब पानी देना बंद कर दिया 7-8 दिन, तो केंचुआ पानी की तलाश में नीचे चला जाएगा। इसने पानी पे जीना है, ठीक है, नीचे चला जाएगा तो खाद ऊपर ऊपर से उतार लेंगे। मतलब इजी होता है अलग करना। हाँ हाँ, के ऊपर ऊपर ट्रांसजेंडर होते हैं। कैसे? 80 बेड लगते हैं। नहीं मतलब खेत में डालना है, 1 एकड़ है। 1 एकड़ में? हाँ मैं बता देता हूँ, मैं बता, 500 किलो 6 महीने बाद, ठीक है जी। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉपर ऑर्गेनिक करनी है तो मैं, इसका क्या होता है कि खर्चा, अगर हम वैसे 1 एकड़ में खर्चा 30,000 आ जाता है, खाद का, पेस्टिसाइड का, DAP, यूरिया सब कुछ डालेंगे। इसका अगर आप 3 टन डाल देते हो, 6 रुपए के हिसाब से 18,000 का हो गया, है ना, तो भी 12,000 बच रहे हैं। उल्टा आपका खेत भी ऑर्गेनिक हो रहा है, उसमें पेस्टिसाइड नहीं होगा, है ना, फसलें अच्छी होंगी। और यूरिया DAP बढ़ता जाता है हर साल, 5 किलो बढ़ा के डालना पड़ता है। और इसका क्या है, पहले साल दो से तीन टन, उसके बाद ये कम होता जाता है, 1 टन और कम कर दो, तीसरे साल में आप 1 टन भी डाल दोगे तो भी न्यूट्रिशन केंचुए इतने हो जाएंगे आपके खेत में। उसके बाद चाहे 500 किलो डाल दो, 500 किलो का मतलब कितना खर्चा हो गया, 3-4 हजार बस। खर्चा भी कम हो गया, आपका खेत भी ऑर्गेनिक हो गया और आपकी फसलें भी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। निकालते ना फिर कछुए को, अगर साथ ही डाल देते हैं वो तो। अरे नीचे भाग जाओ। हाँ ऊपर ऊपर से उनको पानी चाहिए ना, वो नीचे नीचे आ जाएंगे। हाँ जी। हाँ सेपरेट करने का एक ही तरीका है जी, आपने जब खाद बन गई 2 महीने बाद तो 6-7 दिन पानी नहीं लगाना, जब धूप लग जाएगी ऊपर से सूख जाता है वो। केंचुआ पानी ही, पानी पे जिंदा रहता है, 90% पानी ही होना चाहिए। तो क्या करता है, धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है पानी की तलाश, वो ले जाती है। हाँ जी हाँ जी, वो ले जाती है। उन्होंने थोड़े मंगवाए थे तो कोरियर से चला गया था, 10 किलो मंगवाए थे जैसे। हाँ जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप ऐसे भी पड़ा रहने दोगे तो 7 दिन तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का पानी छिड़कते रहो। हाँ जी, जो बेस है ना, यहाँ नहीं होगी, कल ही भेजे हमने, वो क्रेट होता जो सब्जी वाला क्रेट नहीं होता, फ्रूट वाला क्रेट, हाँ हाँ वो क्रेट में भेजते हैं। हाँ जी, क्योंकि ऊपर पानी नहीं है, पानी की तलाश में नीचे, फिर हम उसको इकट्ठी कर लेते हैं। जो पीटे बनाते हैं ना, उसमें तो सब कोने में रख देते हैं चीज़, जैसे हाँ 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 हाँ, उधर पहुंच जाता है, उधर पहुंच। अगर कच्चा गोबर भी आप रख दोगे एक साइड तो वो उधर चला जाएगा, है ना। अब जैसे ये बेड है, इसमें आपने केंचुए इकट्ठे करने, तो साइड में हम नया गोबर लगा देंगे, तो वो क्या करेंगे, पुरानी खाद को छोड़ के नए गोबर में आगे शिफ्ट हो जाएंगे और वो उधर से आप उतार लो आराम से, जो हम गड्ढे में इकट्ठा करते हैं गोबर वो भी। हाँ जी हाँ जी, गोबर का क्या होता है जी, आपने जो लेना है 1 महीना पुराना नहीं लेना, इससे ज्यादा पुराना नहीं लेना, 1 महीने से 40 दिन तक का, उससे, क्योंकि 40 दिन तक फ्रेश होता है गोबर। उसके बाद क्या होता है कि वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है ना, ब्लैक होना शुरू हो जाता है, सख्त हो जाता है, फिर केंचुआ उसको खाएगा नहीं,
है ना। अगर प्रॉपर खाद बनानी है, आपने बढ़िया खाद बनानी है, तो हम कच्चा गोबर आपको प्रेफर करते हैं कि आप 40 दिन से ज्यादा पुराना मत लो। जितना ज्यादा मतलब ताजा होगा उतना हाँ, ज्यादा ताजा भी नहीं, 5 दिन पुराना, 5 दिन से लेके 40 दिन तक। केंचुए को हमारे पास प्लास्टिक के क्रेट होते हैं, उसमें हम इसको उसमें कपड़े में बंद करके, थैलियों में बंद करके, हाँ मॉइस्चर इसमें साथ जाता है, ये वर्मी कल्चर बोलते हैं इसको, ये साथ भेजना जरूरी होता है। केंचुआ कभी भी अकेला नहीं जाएगा, वो मर जाएगा दो मिनट में ही मर जाएगा, ठीक है जी। तो वो क्या होता है कि उसको ये वर्मी कल्चर जरूर भेजना पड़ता है। जैसे हमारा 35 किलो का क्रेट होता है तो उसमें 15 किलो केंचुआ होता है बस, ठीक है जी, बाकी वर्मी कल्चर होता है उसका खाना। कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन कमर्शियल लेवल पे मैं आपको नहीं करूंगा वो प्रेफर। अगर आप अपने यूज के लिए करते हो कर लो आप, टाइम लगेगा, स्मेल आएगी उसमें से, ठीक है जी। इस खाद में से आपको स्मेल नहीं आएगी, ये ऑर्डरलेस होती है, बिल्कुल जीरो स्मेल। अगर आप इसको नाक पे भी रखोगे ना आपके, तो स्मेल नहीं आएगी, वर्मी कम्पोस्ट की यही पहचान है। और ये बिल्कुल काली हो जाएगी, हाँ वो लगा सकते हो, वो लगा सकते हो, लेकिन उसमें गोबर डालना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा पत्ते या गोबर, वो चीजें डाल। ये मरते भी तो आएंगे क्या? मर जाने, अरे मर जाएगा 6 महीने में, लेकिन 2000 छोड़ तो गया। हाँ वो भी डीकंपोज़, उसमें है ही नहीं पानी तो है, 90% है वो तो बीच में ही खत्म हो जाता है, मरा हुआ कभी दिखता ही नहीं है, डीकंपोज़ हो जाता है। कितनी एज? हाँ जी कितनी एज? 6 महीने से लेके 2 साल तक जी सकते हैं ये, ठीक है जी। लेकिन उसमें ये होता है ये मल्टीप्लाई हो के है ना बहुत हो जाता है। डिलीवरी करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? मेरा जी, मेरा जो लोकल है 200-300 किलोमीटर तक, हम बस से ही प्रेफर करते हैं, बसों में रखवा देते हैं, वहाँ पे अड्डे में पहुंच जाता है। इंट्रास्टेट भी कह रहा हूँ, 300 किलोमीटर के एरिया में। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, अगर कम क्वांटिटी में लेना हो उसने तो बाय कोरियर भी चला जाता है 10 किलो तक तो, ठीक है जी। अगर उससे ज्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, हाँ बाय ट्रेन, बाय ट्रक, कई गोबर की गर्मियों में 1.5 फुट, सर्दियों में 2 फुट तक। हाँ जी, ऊपर छोड़ दो आप, अब इसको गिराएंगे तुम्हारे सामने, देखो आ जाओ, ये देख लिए सबने, अभी हम इसको यहाँ गिरा देते हैं, तो वहाँ पे बेड बना के तो ऊपर से उतार लिया गया खास सारा, इसको साइड में इकट्ठा कर दिया केंचुए को। हाँ जी, अब जो ट्रेनिंग देते हैं ना, कितने का? एक दिन का ही है, हाँ हाँ हाँ, एक दिन का ट्रेनिंग। उसका अगर सर्टिफिकेट लेना है आपने, 1000 है, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, वैल्यू है। हाँ जी सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है तो हमारी, हाँ अगर किसी ने मेरे से सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग लेनी हो तो भी हो जाती है वो, हम 1000 चार्ज करते हैं एक दिन का। उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ठीक है जी, और आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होएगा। अगर जिस दिन से आप सर्टिफिकेट ले लोगे उस दिन से आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू किया। और इस पे सब्सिडी है 25-30% इधर है, कई स्टेटों में ज्यादा भी है, 50% भी है। जैसे अगर आप 10 लाख लगाते हो तो 5 लाख सरकार देती है आपको, तो वहां पे भी वो सर्टिफिकेट लगता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है जी। तो वो सर्टिफिकेट जरूरी है जी। हाँ जी मेरे से ले सकते हो आप कभी भी, ट्रेनिंग तो ऑलमोस्ट आपकी हो ही गई है ना जी। अगर आपने बिल्कुल महीन तरीके से ट्रेनिंग, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा नंबर आपके पास सर से ले लेना आप, या मेरा यूट्यूब चैनल है कुदरत ऑर्गेनिक फार्म, उसमें आप मेरे नंबर दोनों होते हैं, ठीक है जी। तो वो एक दिन की ट्रेनिंग है, जैसे सुबह हो गए तो 3-4 बजे फ्री कर देते हैं हम उनको ना, तो उसमें वो सर्टिफिकेट भी वैल्यू है। और किसी ने अगर वैसे ट्रेनिंग लेनी हो बाद में भी, फिर भी हम हर मंथ में दो ट्रेनिंग रखते हैं फ्री, ठीक है जी। उसमें सर्टिफिकेट नहीं होता लेकिन उसमें ट्रेनिंग होती है, वो आप कभी भी ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता आपसे जी, सिर्फ सर्टिफिकेट अगर लेते हो। ये चले गए हैं जी देखो सारे, है ना। हाँ जी, तो उसको हम ढक देते हैं क्योंकि धूप ना लगे इनको, थोड़ा सा करना है अभी, इधर गोबर लग जाएगा सारा, फिर ये केंचुआ शिफ्ट हो जाएगा इधर, फिर उसके बाद फिर ये निकालेंगे, फिर इधर भी गोबर लगा देंगे जी। एक ना ग्रुप फोटो लेंगे जी। हाँ जी मैं बता देता हूँ, कुदरत ऑर्गेनिक फार्म, सिंपल गूगल पे सर्च कर लो चाहे यूट्यूब पे कर लो, गूगल पे भी रिव्यू देना 5।